हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान फ्रॉम द माइग्रेशन। आज की वीडियो में जीटी इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट पार्ट में जीटी के हवाले से जो मेन क्वेश्चंस थे हमने उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जीटी के हवाले से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दी माइग्रेशन से सायरा असगर, जो कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और उनकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि अगर वो अपने जीटी इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर करता है तो उसके वीज़ा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को बेटर वे में आंसर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है बेसिक क्वेश्चंस पूछने के बाद केस ऑफिसर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या आपने पहले ऑस्ट्रेलिया विजिट किया है? अगर आप पहले विजिट कर चुके हैं तो उसकी क्या रीज़न थी? सर, आप स्टूडेंट्स को गाइड करें कि स्टूडेंट किस तरह से इस क्वेश्चन का बेटर वे में आंसर कर सकते हैं। आपको इसका एक प्रॉपर और एक्यूरेट आंसर देना है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पहले विजिट किया है तो आप उसका पर्पस भी क्लियरली बताएंगे। फॉर एग्जांपल, यू कैन से दिस, यस आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट ऑस्ट्रेलिया बिफोर। और आपका जो प्रीवियस विजिट था उसका पर्पस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था जो कि आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज से रिलेटेड था। और आप ये भी बता सकते हैं कि वो आपके लिए एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था क्योंकि उसके जरिए आपको ऑल ओवर द ग्लोब के प्रोफेशनल्स के साथ इंगेज करके अपने नॉलेज और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का मौका मिला। याद रहे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वीजा ऑफिसर आपसे मजीद क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सो मेक श्योर आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट और रेलेवेंट हो। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। केस ऑफिसर आपसे कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जो कोर्स आपने चूज किया है वो आपकी होम कंट्री में काफी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, तो आपने इतनी दूर जाने का फैसला क्यों किया? तो शायद आप स्टूडेंट्स को बताएं कि वो इसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट बताएगा कि पाकिस्तान में भी ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफर कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी है। और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। और इसके अलावा आप स्मॉल क्लासरूम्स और एडवांस स्टडी मेथड्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि सायरा ने आपको बताया, आपने इस क्वेश्चन का प्रोफेशनली और टू द पॉइंट आंसर करना है। इसके बाद केस ऑफिसर आपसे आइट्स बैंड स्कोर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपने कितने आइट्स में बैंड स्कोर किए हैं। तो सर, आप बताएं स्टूडेंट को वो इसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर स्टूडेंट को अपना एक्चुअल स्कोर ही बताना होगा। सो बी कॉन्फिडेंट एंड टेल देम योर ओवरऑल स्कोर एंड स्कोर इन ईच बैंड। जैसे कि आप बता सकते हैं, माई आइट्स बैंड स्कोर इज रीडिंग 7, राइटिंग 7, स्पीकिंग 6 एंड लिसनिंग 8। स्टूडेंट, दे मे आस्क, डू यू नो समवन इन ऑस्ट्रेलिया? So Sarah, tell them what will be the answer of this question. Basically, visa officer इस question के जरिए से ये verify करना चाह रहा है कि आपके Australia में किसी के साथ कोई alliance तो नहीं है या आपके कोई relatives वगैरह तो नहीं है। If yes, so what kind of people they are and how you relate to them. So be confident and tell them your exact details. Case officer आपसे sometime negative question भी कर सकते हैं, जैसा कि वो आपसे पूछ सकते हैं, what will be you do if your visa got rejected? So what will be the answer, Sarah? अच्छा, तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर स्टूडेंट को अपने नर्व्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड आंसर देम इन अ वेरी गुड मैनर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं दोबारा कोशिश करूँगा और ये फिगर आउट करूँगा कि किस तरह से मैं अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकता हूँ, और ये कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ और अपने वीज़ा के प्रोसेस को दोबारा इनिशिएट करूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू केस ऑफिसर को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप एक जीनियस स्टूडेंट हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ विल यू प्रूव इट। सायरा आपको गाइड करेंगी कि इस क्वेश्चन का आपने किस तरह से बेटर वे में आंसर करना है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यू नेवर हैड गैप इन योर स्टडीज, और आपका स्टडीज आपका पैशन है और आपके जितने भी लाइफ के गोल्स हैं वो सब आपके स्टडीज से ही अलाइन हैं। आप इन्हें ये बताएं कि आपकी सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी टाइम तक यही शो करती है कि आप एक जीनियस स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा आप इन्हें ये बताएंगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया में भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है ताकि आपको एक अच्छी एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल एक्सपोजर। जीटी इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से जो भी मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। होपफुली इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज फॉलो फॉर मोर। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द माइग्रेशन चैनल।